न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। प्रदेश इंटेक के अध्यक्ष होने के नाते और जमशेदपुर में मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने टीम के प्रांगण में। जितने तरह की आजकल तो बहुत सारी हमारे साथी चैनल से भी अपना बहुत बढ़िया न्यूज दे रहे हैं, तो सबसे जुड़कर के कभी एक गेट टूगेदर आपके साथ जमशेदपुर में प्राय हम लोगों का मिलना जुलना ऐसे ही ओकेजन पहुंचता है, जब कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, वैसे ही अवसर पर आपको सुनते हैं। जी बताइए सर, आज का बैठक किसके लिए बुलाया गया था? आज का बैठक मुख्य रूप से हम इसलिए बुलाए थे कि हम प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार हमारी झारखंड की सरकार किस कदर मजदूर का न्याय करे। हमारे झारखंड राज्य की 980 यूनियनों का रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार ने रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि उसका एनुअल रिटर्न बिहार में पटना में नहीं जमा किया गया। और जब राज्य अलग हो गया, हम झारखंड में आ गए, तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना एनुअल रिटर्न हर साल रांची में जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर सेक्रेटरी वहाँ जमा किया, और पटना से वहाँ के लेबर कमिश्नर, लेबर रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि एक हम इंडिविजुअल लेटर लेकर यूनियनों से पूछें कि आप अपना एनुअल रिटर्न जमा क्यों नहीं करते हैं, जबकि एज पर एक्ट आपको एनुअल रिटर्न जमा करना है हर साल, ये भी वो जरूरी नहीं समझा। बिना पूछे हम लोगों से उन्होंने रद्द कर दिया। हमारी सरकार ने इतनी मेहरबानी नहीं की कि जो मजदूर से जुड़ा हुआ जितना फाइल पड़ा हुआ है, जो झारखंड के दायरे में आता है, उसको हम पटना सरकार से रिक्वेस्ट करके मंगा लें और यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करें। अभी ये लोग बोलते हैं झारखंड सरकार के लोग कि हमारे पास तो फाइल ही नहीं है उस यूनियनों का, 980 यूनियन का, वो तो बिहार के पास था। बिहार के लोगों से संपर्क किए तो बोले कि वो तो पटना में एक बार बाढ़ आया था, वो बाढ़ सेक्रेटरी में पानी भर गया था, वो सारा फाइल डूब गया, उसमें बह गया, हम लोग कहाँ से दें। अब देखिए उनको बाढ़ में बह गया हमारा फाइल, उनको इतना पता है, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहां से इन्फॉर्मेशन उनको मिल गया कि एनुअल रिटर्न जमा नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना, तो सारा रद्द किए। इस सरकार के पास, हमने झारखंड की सरकार के पास, पिछली जो सरकार थी रघुवर दास जी की, उस पीरियड में हम लोग सभी दरवाजे गए थे, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन से, लेबर सेक्रेटरी, लेबर कमिश्नर, लेबर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से, नहीं रिजॉल्व हुआ। अभी जो प्रेजेंट में सरकार है, यहाँ भी मुख्यमंत्री तक जाकर रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन नहीं रिजल्ट हुआ। हम लोगों ने सिंपल रिक्वेस्ट किया था कि अगर बिहार सरकार रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है तो झारखंड सरकार बहाल क्यों नहीं कर सकती अपने राज्य में, ये तो मजदूरों का इश्यू है। तो कहने के लिए तो अच्छी अच्छी बात की है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि आप नए सिरे से इसे अप्लाई कीजिए, आप लोग उसी प्रोसेस में जाइए तब रेमल मिलेगा। पुरानी हमारी दिक्कत है, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, ये यूनियन 100 साल पुरानी है, टाटा वर्कर्स यूनियन 100 साल पुरानी, ऐसी भारत, ऐसी झारखंड में बहुत सारी यूनियन है जिनका अगर डॉक्यूमेंट खेचेंगे हमको तो लगता है कि जमीन का पेपर भी लोगों को कितना नहीं मिलता है। अगर सरकार के रिकॉर्ड में नहीं मिलता है तो ये सब यूनियनों में, जो सुभाष चंद्र बोस जी हमारे प्रेसिडेंट थे यहाँ के, बाल्कोल जान साहब यहाँ के एम्प्लॉय थे, प्रेसिडेंट थे, अब्दुल बारी थे, उस समय के बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, लेकिन अब हमको नए सिरे से बनाना है उसे। अब बोल रहे थे एग्जैक्टली साजिश वर्ड हमारा कहना उचित नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, इसलिए कि बिहार सरकार ने रद्द किया है इसे, तो वो झारखंड के खिलाफ क्या साजिश क्या करेंगे, और भी मजदूरों के खिलाफ जो उनके अंदर में आते ही नहीं है, लेकिन ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है सरकार, लापरवाही मजदूरों के प्रति, मतलब उनकी ये व्यवहार है, जो बिहेवियर, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सरकार पहले मजदूरों को नुकसान कैसे पहुंचाने की बात कर सकती है, किसानों को कैसे कर सकती है। राष्ट्र का निर्माण कौन करता है? राष्ट्र का निर्माण तो मजदूर और किसान ही ने करता है, काम तो हम ही लोग ने करते हैं। ये रोड कौन बनाता है, एयरपोर्ट कौन बनाता है, गाड़ियां कौन बनाता है, कारखाने को कौन बनाता है, कौन चलाता है, ये तो हम ही लोग सब करते हैं ना, हमारे प्रति उनके ये रवैया। और जब हम आग्रह कर रहे हैं कि हम तो मात्र आपसे कुछ मांग दे रहे हैं, अपनी यूनियन का रजिस्ट्रेशन बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें उनको तकलीफ हो रही है। अब हमको नए सिरे से जाना है। अभी क्या निर्णय लिया, इससे टोटल हमारे झारखंड में करीब 10 से 11 लाख मजदूर प्रभावित होने जा रहे हैं। अब तो कोई च्वाइस नहीं है ना, अब तो हमारे पास च्वाइस नहीं, उन्होंने कह दिया कि हम रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं कर सकते हैं, आप नए सिरे से इसको ये करिए। अब देखिए उसमें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी जो पुरानी यूनियनों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो हमें बैंक अकाउंट में रहता है, उसके नाम से, नाम और प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर, लाखों लाख रुपए का जमा है, कुछ यूनियनों में लाखों से ज्यादा होगा। अब ऑपरेट करने के लिए जरूरी है कि नया नंबर के साथ साथ पुराना नंबर भी मिले। हम लोगों ने बोला कि नया नंबर के साथ पुराना नंबर दीजिए, उनमें भी उनको दिक्कत हो रही है, उसमें भी उनको दिक्कत हो रही है, तो जस्ट बताना चाहते थे। और दूसरा मुद्दा था कि ये झारखंड स्टेट का जो हमारा इंटेक है, जिसके हम अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, ये हमारे सर्वमान्य नेता, रिस्पेक्टेड नेता राजेंद्र बाबू के गुजर जाने के बाद स्थिति हालात पैदा हुई थी, इसके बाद हमको करीब 23 जून को बनाया गया था लास्ट ईयर 2020 में,
और 23 जून के बाद अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने का स्कोप नहीं था, कोरोना के चलते सब पाबंदियाँ लगी हुई थी, लेकिन अब उसको तेजी से हम बढ़ा रहे हैं। सभी जिला की कमेटी बना रहे हैं और स्टेट में जो कमेटी एक छोटी बनाई गई थी एड हॉक कमेटी में, उसको जहाँ जहाँ लोग छूट गए थे, धनबाद से बहुत सारे लोग, बोकारो के, माइंस के, कुलरिज के, नुआ मुंडी उंडी एरिया के, पूरा किरीबुरी के, और यहाँ पर हमारे जमशेदपुर टाटा के बहुत सारे लोग छूटे, तो उनको जोड़ करके नई कमेटी बनाए हैं जो सर्कुलेट करने वाले हैं। फोकस हमारा होने जा रहा है अनब राय से। झारखंड सरकार क्या बोल रहे हैं इसमें? झारखंड सरकार का जैसे पता है बिहार में निरस्त कर दिया गया, तो सर उसके बाद प्रोसेस क्या होगा गवर्नमेंट की? झारखंड सरकार को कायदे के हिसाब से चाहिए था कि ये यूनियन जो हमारा नंबर है पहले का, ये बहाल कर दे सीधा, क्योंकि हमारा रद्द करने के पहले हमारी बात को सुनी नहीं गई थी। हमने कोई अपराध किया ही नहीं कानून की नजर में। कानून के नजर में हम हर साल एनुअल रिटर्न जमा किए हैं, तो उनको रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम पटना में यहाँ का पेपर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे नहीं जाकर, हम अपने राज्य में जमा करेंगे। झारखंड सरकार को फाइट करना था जाकर बिहार सरकार से कि आप हमारे जो रिजिम में है, हमारी परिव्यू में यूनियन का रजिस्ट्रेशन आप रद्द कैसे कर सकते हैं? वहां का डॉक्यूमेंट मंगाना इनकी जिम्मेदारी थी, पूरी फाइल वहां से मंगाना, लेकिन नहीं मंगाए। ये रजिस्ट्रेशन रद्द कब हुआ है? 15/10/2016 को, 5/10/2016 को हुआ, 5/10/2016। तब से हम लोग लड़ रहे हैं, तब से लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। दो सरकारें हम आई, पहले बिहार और झारखंड दोनों गवर्नमेंट जिम्मेवार है ना इसकी, अगर देखा जाए तो दोनों जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार है गैर जिम्मेदाराना हरकत उन्होंने किया, बिना फाइल नहीं भेजे हमारे राज्य में, हम लोग से पूछे नहीं कि आप एनुअल रिटर्न जमा करते हैं कि नहीं, लेकिन रद्द कर दिया बिना सुने किसी की बात को। दूसरा जिम्मेदार है कि इनका काम था पूरा फाइल वहां से मंगाना और उस राज्य को बताना कि यहां सब एनुअल रिटर्न जमा हो रहा है। अब क्या होगा? अब तो नए सिरे से हम प्रोसेस में जा रहे हैं अप्लाई करने, नए तरीके से नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा। नुकसान तो है, ऐतिहासिक यूनियन है, 100 साल की पुरानी, नए सिरे से अप्लाई कर चुके हैं, कई यूनियन कर चुके हैं, कई लोग अपना पेपर तैयार कर रहे हैं। समय कितना लगेगा सर इसमें? आप अपना रजिस्ट्रेशन, आजकल झारखंड में रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लगता है, ये सरकार उसमें भी प्रॉम्प्ट नहीं है कि अगर आप दे देंगे सारा डॉक्यूमेंट एक महीने में कर देंगे, उसके लिए भी आपको दौड़ना पड़ेगा वहाँ पर, फिर डीएलसी के आइए, फिर वहाँ जाइए, यहाँ डीएलसी, इसमें भी टाइम लगता है। तो नई रजिस्ट्रेशन का नाम क्या रहेगा यूनियन का? यूनियन का नाम तो हम लोग स्वयं रखने की कोशिश करें, जब यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है तो नाम तो रख ही सकते हैं ना आप, एक नाम से एक राज्य में दो यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो जब पुरानी यूनियन का नाम रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है, इनके पास वो रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो उस यूनियन का कोशिश करेंगे अपना रखने का, नाम तो कम से कम वो रहे।